करनाल में शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं है। वहीं 12वीं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट पर उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, 31 जुलाई से पहले रिजल्ट आ जाएगा। एक फॉर्मूला बनाया गया है और उसी आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। तो 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करने की बात कही गई है और बाकायदा उसमें कहा गया है कि एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। दरअसल कष्ट निवारण समिति की एक बैठक थी और स्कूल खोलने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट हैं वो कहा है कि बहुत जल्द, यानी कि उसमें दरअसल 31 तारीख की जो डेट है वो दी गई है, 31 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। और बाकायदा इसके लिए जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्कूल खोलने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो अभी ये कहा गया कि इस पर विचार किया जाएगा, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये कष्ट निवारण समिति की दरअसल करनाल में एक बैठक थी, उसी दौरान ये बातें कही गई। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा किसान समर्थक राम सिंह राणा के समर्थन में आए। कुरुक्षेत्र पहुंचे मनजिंदर सिंह ने कहा कि जल्द ही पुलिस को इस बाबत शिकायत भी दी जाएगी। दरअसल पिछले साल नवंबर से किसान आंदोलन का समर्थन और सेवा कर रहे कुरुक्षेत्र के समाजसेवी और गोल्डन हट होटलों के मालिक राम सिंह राणा किसानों के समर्थन देते हुए दिन रात सेवा भाव से काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले NH 44 कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 के सामने बने गोल्डन हट के सामने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिसको लेकर होटल संचालक सहित किसानों में भारी गुस्सा है। और कुरुक्षेत्र में एक मृतक के परिजन हरकेश ने कहा कि 3 दिन पहले नहर से डेड बॉडी मिली जो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 10 दिन से फ्रीजर खराब होने के कारण शव की हालत खराब होती जा रही थी। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से कहा कि बर्फ की व्यवस्था खुद करें। डेड बॉडी रखे मृतक के परिजनों ने हालात खराब होने पर जमकर हंगामा किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो हंगामा किया है गुस्साए परिजनों ने 10 दिनों से। दरअसल जो फ्रीजर था वो खराब पड़ा हुआ था। तो अस्पताल प्रशासन ने खुद परिजनों को बोला कि आप बर्फ का इंतजाम खुद करिए, हालांकि बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की। और इसी बात से नाराज होकर परिजनों ने खूब हंगामा वहां पर किया है। खबर कैथल से। कैथल में सरकारी कार्यालयों के बाहर विजिलेंस के टोल फ्री नंबर को अंकित करवाने का अभियान आगे बढ़ाया। पटवार भवन में दोबारा टोल फ्री नंबर अंकित करवाए गए। यह अभियान कैथल शाखा की तरफ से और विजिलेंस विभाग के सहयोग से हरियाणा प्रभारी नरेश कुमार की अगुवाई में चला। प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि कुछ महीने पहले भी पटवार भवन में विजिलेंस का टोल फ्री नंबर अंकित करवाया गया था। और कैथल में महिलाएं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा पंचायत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर संत कबीरदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। राज्य मंत्री ने संत कबीरदास जयंती पर जिलावासियों को शुभकामनाएं दी, कहा कि संत सदैव ही राष्ट्र को राह दिखाते रहे हैं, इसी में मानव कल्याण निहित है। संत शिरोमणि कबीरदास जी ने समाज में जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने की जो राह दिखाई है, उस पर हम सभी को चलने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो
तो पंचायत भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन कैथल में किया गया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कमलेश टांडा ने कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने लिंग जांच करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहबाद थाने में मामला दर्ज कर जांच जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य डॉक्टर ऋषि ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली, शाहबाद के एक निजी अस्पताल में लिंग जांच की जा रही है। इसी को लेकर जिला सिविल सर्जन की ओर से टीम तैयार की गई है और एक फर्जी ग्राहक तैयार किया गया। फर्जी ग्राहक का लिंग जांच का सौदा 5,000 में तय हुआ। ग्राहक को निजी अस्पताल में नर्स के पास भेजा गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गुरु और शिष्य की मर्यादा को तार तार करने का एक मामला सामने आया है। लगभग 60 साल के कराटे कोच ने अपने पास कराटे सीखने आ रही एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि कराटे कोच पिछले एक साल से उसके साथ जबरदस्ती बार बार गलत हरकत करता आ रहा था और शादी करने का दबाव बना रहा था। जब वो इन हरकतों से तंग आ गई तो उसने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। फिलहाल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट और बाकी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और करनाल में बीजेपी की तरफ से ब्लैक डे मनाया गया। ये ब्लैक डे 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ मनाया गया और इस ब्लैक डे में शिक्षा मंत्री कुंवरपाल और सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे। कुंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाई थी, जिसका विरोध बीजेपी काफी लंबे समय से करती आ रही है। बीजेपी की तरफ से पूरे देश में ब्लैक डे का कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। साथ ही साथ नेताओं की तरफ से बताया गया कि उस वक्त लंबे समय तक लगाई गई इमरजेंसी के कारण देश में कैसे हालात पैदा हो गए थे। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।